नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल गुरुजी में। मैं हूं आप सभी का दोस्त सुधांश और आज मैं आपको बताने वाला हूं व्हाट्सएप के टॉप 5 टिप्स के बारे में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी ये रिक्वेस्ट रहती है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन ज़रूर दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जाना है व्हाट्सएप में और मेरी पहली टिप्स है व्हाट्सएप स्टेटस प्राइवेसी। जी हाँ, व्हाट्सएप ने जब से नया अपडेट आया है व्हाट्सएप का, इसमें आप अपने प्राइवेसी के स्टेटस के साथ प्राइवेसी लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं वो कैसे लगाएंगे। चलिए स्टेटस में जाना है आपको, ऊपर 3 लाइन पे क्लिक करना है, स्टेटस प्राइवेसी पे जाइए। अब देखिए यहाँ 3 ऑप्शन आते हैं आपको, माई कॉन्टैक्ट एक्सपेक्ट वनली शेयर विथ। मतलब माई कॉन्टैक्ट का मतलब इसका ये आता है कि आपके कॉन्टैक्ट में जो नंबर सेव होंगे वही लोग आपके स्टेटस देख सकते हैं। अगर आपने माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट किया तो इस पे जिस पे आप क्लिक करेंगे वो लोग आपके स्टेटस नहीं देख पाएंगे। और ओनली शेयर विथ पे जिस पे आप लोग सेलेक्ट करेंगे वही लोग आपके स्टेटस देख पाएंगे। ये हो गया पहली टिप्स। चलिए दूसरी टिप्स पे आते हैं। दूसरा टिप्स है आपका किसी स्पेशल पे अलग से रिंगटोन कैसे लगाएं। आपका नोटिफिकेशन टोन जो होगा व्हाट्सएप का, सबका अलग अलग होता है, एक ही होता है। मैसेज आता है तो एक ही मैसेज, तो कभी कभी कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आता है और आप ये सोचते हो कि ये मैसेज आ रहा है व्हाट्सएप पे तो इग्नोर कर देते हो। बट अगर आप चाहते हो किसी स्पेशल आदमी पे अलग से टोन लगा दें ताकि उसका मैसेज आए तो आपको अलग से पता चले कि उसका मैसेज आया है, उसके लिए आप चाहें तो उसके नंबर पर अलग से टोन लगा सकते हैं। वो कैसे लगाएंगे चलिए शुरू बताते हैं। सबसे पहले जिस पे लगाना है उसको खोलिए। मान लीजिए मैं इस पे खोल रहा हूँ, इसको ओपन करिए, नीचे आइए, ये देखिए कस्टम नोटिफिकेशंस का ऑप्शन है, कस्टम नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, इसको ऑन करिए। यहाँ पे देखिए रिंगटोन नीचे से 2 नंबर पे, चाहे तो यहाँ से आप रिंगटोन अलग अलग बदल सकते हैं, चाहे तो अपने फ़ोन का भी ऐड कर सकते हैं, जो गाने ऐड करना चाहें यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। ये हो गई आपकी दूसरी टिप्स। चलिए तीसरे टिप्स पे बात करते हैं। तीसरा टिप्स है हमारा व्हाट्सएप पे लोकेशन कैसे शेयर करें। जी हाँ, अपना प्रेजेंट लोकेशन कैसे शेयर करें, इस पे मैंने वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं चौथे टिप्स पे। मेरा चौथा टिप्स है ब्लॉक कोई आपको कर देता है और आपको पता नहीं चलता कि उसने मुझे ब्लॉक किया हुआ है। ऑनलाइन भी आता है उसकी प्रोफाइल, मान लो उसने हटा रखा है बट आपको पता नहीं चलता उसने ब्लॉक किया है कि नहीं किया है, आपको मैसेजेस भी जा रहे हैं तो ये भी हो सकता है ना, बंदा बोल रहा है ब्लॉक नहीं किया है, तो आप खुद से चेक कर सकते हैं उसने ब्लॉक किया है कि नहीं किया है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले ऊपर 3 लाइन पर क्लिक करनी है, न्यू ग्रुप क्रिएट करनी है। न्यू ग्रुप में जिसको आपको शक है कि उसने ब्लॉक किया है कि नहीं उस पर सेलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैंने इस पर सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे अगर सेलेक्ट हो जाता है ऊपर तो उस बंदे ने आपको ब्लॉक नहीं किया हुआ है, अगर सेलेक्ट नहीं होता है तो उस बंदे ने आपको ब्लॉक किया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग लास्ट टिप्स, 5वीं टिप्स की ओर। ग्रुप मैसेज किसने सीन किया किसने नहीं किया। जी हाँ, अगर आप ग्रुप में मैसेज डालते हो और आप चाहते हो देखना कि ग्रुप के किस मेंबर ने आपके उस मैसेज को सीन किया और किसने नहीं किया, तो चलिए कैसे देखेंगे ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले अपने ग्रुप को खोलिए। मान लीजिए मेरा ये ग्रुप है, मैंने खोल दिया, ये मैंने एक फ़ोटो डाला है, इस फ़ोटो को मैं देखता हूँ चलिए किसने देखा किसने नहीं देखा। फ़ोटो पे सेलेक्ट करिए, यहाँ पे देखिए ये गोल बन के आ रहा है ऊपर, उस पर क्लिक करिएगा, नीचे सीन बाई जिसने आपके मैसेज को सीन किया है उसके लिस्ट आ जाएंगे नीचे, और जिसको डिलीवर्ड हुआ है उसके नीचे आ जाएंगे। थैंक यू, ये हो गई आपकी 5वीं टिप्स। जी हाँ, मैंने आपको 5 टिप्स बता दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।